नमस्कार दोस्तों मैं राजीव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं राजीव कुमार ब्लॉग्स के एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए आज हम आप लोगों को गाय के खाने के लिए एक नाद का जो है तैयारी कैसे होता है सारा प्रोसेस हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं कितना क्वांटिटी लगता है एक छोटा सा नाद तैयार करने में क्या क्या चीज़ें लगती है सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो यहाँ पर देख सकते हैं गड्ढा जो है किस तरह से गोल जैसा गड्ढा पहले किया जाता है अब कुदाली या देख सकते हैं इससे फावड़ा से कर सकते हैं तो हम लोग पहले क्या करते हैं इसको थोड़ा सा गड्ढा कर लेते हैं देख सकते हैं तो हम लोगों ने पहले इसका जो है चारों तरफ से मिट्टी को निकाल लिया है और फिर इसको आगे का प्रोसेस हम आप लोगों को दिखाएंगे किस तरह से इसका जो है पहले हम लोग चारों तरफ से गड्ढा कर दिए हैं देख सकते हैं और सारा मिट्टी हम लोग निकाल दिए चलिए अब उसके बाद दिखाते हैं यहाँ पर और भी थोड़ा सा करना होगा गड्ढा उसके बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका आकार किस तरह से हो चुका है देख सकते हैं यहाँ पर हमारे यहाँ मिस्त्री आ चुके हैं और मिस्त्री जो है हमारे अंकल जी लगेंगे चाचा हैं हमारे अपने चाचा इस इनका नाम है मिस्टर भवेश कुमार तो ये मिस्त्री का काम करते हैं आप लोग अगर चाहें तो लोकल में इनका गोड्डा ज़िला में पड़ता है आप लोग लोकल में अगर नाद बनवाना चाहें तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं आप कमेंट करेंगे तो हम आपका रिप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस तरह से चारों तरफ चिकनाहट कर दिया गया है करनी से अब इसमें जो है मसाला वगैरह दिया जाएगा तो मसाले में क्या क्या लगेगा वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए पहले इसको चिकना चाकना अच्छी तरीके से कर लेते हैं उसके बाद फिर इस पर जो है मसाला दिया जाएगा तो मसाले में क्या क्या लगेगा यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों देख सकते हैं टीन है टीन तो आप लोग जानते ही होंगे गुड़ जो आता है या तेल भी आता है तो दो टीन बालू दो टीन ये छर्री गिट्टी जो होता है पत्थर का टुकड़ा तो वो ले लिए हैं और एक टीन इसमें सीमेंट ले लिए हैं मतलब ये जो है दो भाग में इसको दो भाग बोला जाएगा कभी कभी ढाई भाग में भी बनता है तो ये दो भाग हो गया और ये मिक्सचर हो चुका है मिल चुका है उसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर किस तरह से तैयारी किया जा रहा है गाय के खाने के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से चिकनाहट चारों तरफ से हो चुका है अब इसमें जो है मिस्त्री साहब अपने तरीके से इसमें किस तरह से लगाएंगे देख सकते हैं इसमें बालू जो है बालू में पानी दे थोड़ा सा पहले बालू दिया जा रहा है ताकि चिकनाहट हो सके अच्छी तरीके से और उसमें मसाला पकड़ सके क्योंकि मिट्टी में तो पकड़ेगा नहीं दोस्तों इसलिए इसमें पहले बालू दिया जा रहा है ताकि मसाला जो है इसमें अच्छी तरीके से चिकनाहट होगा तो इसमें पकड़ेगा तो आप लोग इस इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ बने रहिए और लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें और देख सकते हैं यहाँ पर मसाला जो है तैयारी हो चुका है मसाला जो है सब हम लोग मिल जुल के ही कर रहे हैं कभी मैं मोबाइल पकड़ लेता हूँ तो ये जो है हमारी मैम ये काम करना स्टार्ट कर देती है हम लोग मिलजुल कर काम घर का कर लेते हैं थोड़ा मोड़ा बाकी ऐसा नहीं है कि हम लोग डेवरी करने के लिए जाते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपने घर का जो है थोड़ा मोड़ा काम कर लेते हैं मिलजुल के जेंट्स चाहे लेडीज़ हो मिलजुल के काम कर लेते हैं तो देख सकते हैं हमारे यहाँ मिस्त्री का काम स्टार्ट हो चुका है किस तरह से देख सकते हैं एक एक करने ले लेकर और इस तरह से दबा दबा कर चारों तरफ से दिया जा रहा है तो आप देख सकते हैं नाद की तैयारी किस तरह से होती है नाद बोलिए लाद बोलिए गाय का खाने के लिए जो होता है वही तैयारी किया जा रहा है तो देख सकते हैं किस तरह से मसाले को दबा दबा कर इस तरह से दिया जा रहा है तो आपके उधर किस तरह से बनता है मैं कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मसाला दिया जा चुका है और यहाँ पर हम लोग मिलजुल कर कभी हम ला रहे हैं मसाला कभी वीडियो बना रहे हैं तो हमारी मैम मसाला ला रही है तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ से दिया जा रहा है तो आप लोगों के उधर भी शायद इसी तरह से बनता होगा बट हमें पता नहीं देख सकते हैं किस तरह से कुदाली से मसाले को टीनी में ले लिया गया है और ये इसको जो है थोड़ा सा शर्मा रहा है कि वीडियो बना रहा है इसलिए आस ये है बाकी कोई दिक्कत नहीं है तो देख सकते हैं मसाला तैयार हो चुका है अब यहाँ पर इसको डाल दिया जाएगा उसके बाद यहाँ पर मिस्त्री साहब अपना काम जारी रखते हुए करने से ही इस तरह से बारी बारी से एक एक करके और यहाँ पर दे रहे हैं और नाद की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे कलाकार मिस्त्री हैं आप लोग चाहें तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं देख सकते हैं किस तरह से नीचे हो चुका है अब ऊपर जो है इसका पकड़ने के लिए हत्था इसका दिया जाएगा बाहरी तरफ ताकि इसको जब उखाड़े तो इसको पकड़ने में आसानी हो तो देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ से इस तरह से दिया जा रहा है चबूतरा आप बोल सकते हैं इसको कुआं का जो चबूतरा होता है सेम वैसा ही चारों तरफ थोड़ा थोड़ा चौड़ाई का ताकि पकड़ने में आसानी हो जिसको पकड़ कर आसानी से उखाड़ा जा सके तो ये लगभग दस दिन या पंद्रह दिन तो ऐसे ही रहेगा ज़मीन में ही उसके बाद ये अच्छी तरीके से जम जाएगा परिपक्व हो जाएगा कंप्लीट तब इसको उखाड़ा जाएगा तो जब उखाड़ेंगे तो वो भी आपको वीडियो मिलेगा अभी आप नाद की तैयारी जो हो रही है स्टार्टिंग से लास्ट तक आप देख लीजिए तो देख सकते हैं काफ़ी यहाँ पर किस तरह से ये जो है कर्याया हम लोग इसको बोलते हैं कढ़ाई जिसमें कि मसाला वगैरह लिया जाता है मज़दूर लोग जो काम करते हैं इसमें मसाला वगैरह बालू वगैरह उसी से इसको दबा दबा कर ताकि ये दब सके अच्छे तरीके से नीचे भी पकड़ सके और चिकनाहट भी हो सके तो मिस्त्री साहब कुछ इस तरह से कर रहे हैं तो देख सकते हैं और मैंने पहले ऐसे नहीं देखा था बचपन में बनाया था एक नाद बट उस समय हम लोग बहुत छोटे थे घर में इस बार जो बन रहा है घर में तो पहली बार हम देख रहे हैं आप लोगों ने पहले इस तरह से देखा है या नहीं देखा है हमें कमेंट जरूर करें दोस्तों आपका कमेंट जो है हम पढ़ेंगे और आपको हम रिप्लाई भी करेंगे तो आपने पहले देखा है या नहीं देखा है जरूर बताएं तो कुछ इसी तरह से दिया जा रहा है ठोक ठोक के अच्छी तरीके से देख रहे हैं ताकि ये मजबूती पकड़ सके उसके बाद फिर से यहाँ पर दोबारा जो है ऊपर पे इस तरह से दिया जा रहा है अब जो है ये पहले गिट्टी वगैरह दे दिया गया गिट्टी बालू और सीमेंट उसके बाद पानी मिलाकर पहले दिया गया अब जो है इसमें सिर्फ़ बालू है और सीमेंट है बालू और सीमेंट दोनों यहाँ पर दिया जा रहा है तो एक कढ़ाई बालू और एक कढ़ाई सीमेंट फिर ये मिलाकर मिक्स इसका और इसको ऊपर से दिया जाएगा ताकि चिकनाट हो सके देख सकते हैं किस तरह से चिकनाट हो चुका है अब जो है सीमेंट का घोल जो है वो घोला दिया जा रहा है ताकि और भी चिकना हो सके तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए हम आपको शुरू से लेकर अंत तक दिखाएंगे किस तरह से नाद की तैयारी की जाती है हमारे झारखंड के गोडा ज़िला में तो आपके उधर किस तरह से तैयारी की जाती है आप लोग हमें बताएं हमें भी ये सुनकर अच्छा लगेगा कि आपके उधर कैसे बनता है तो देख सकते हैं किस तरह से चिकनाहट किया जा रहा है तो आपने ऐसा लाइव देखा है कि नहीं पहले पता नहीं है हम तो ऐसा नहीं देखे थे आज लाइव पहली बार देख रहे हैं घर में बन रहा है तो।, तो सोचा कि आप लोगों को भी दिखाया जाए हमारे ऑडियंस जो हैं उनको भी दिखाया जाए कि इस तरह से नाद की तैयारी होती है तो अच्छे कलाकार हैं देख सकते हैं मिस्त्री साहब अच्छे कलाकार हैं अच्छा काम कर लेते हैं घर भी बना लेते हैं और नाद की भी तैयारी कर लेते हैं बहुत सारा वर्क कर लेते हैं तो देख सकते हैं कि इस तरह से घोला को चारों तरफ दिया जा रहा है और ये फिर बाद में चिकनाहट किया जाएगा तो इसमें समय तो अच्छा लग जाता है गाइज दो तीन घंटा तो लग ही जाता है कम से कम तीन चार घंटा लग जाता है दोस्तों देख सकते हैं किस तरह से चिकनाहट किया जा रहा है नीचे भी दिया जा रहा है और बड़ी बारीकी से जो है इसको चिकनाहट किया जा रहा है ताकि इसमें अच्छा से पकड़ सके सारा मसाला देख सकते हैं घोल को कंप्लीट कर दिया गया है अब कुछ ही देर है और उसके बाद ये नाद बनकर तैयार हो जाएगा तो देख सकते हैं किस तरह से घोल को चारों तरफ फैला दिया गया है ताकि ये चिकनाहट हो सके आसानी से और उसके बाद फिर गाय बाछी बाछा जो भी हो इसमें आसानी से अपना भोजन कर सके खाना खा सके तो देख सकते हैं नाद की तैयारी कंप्लीट होने को है अब कुछ ही सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा देख सकते हैं इसमें नाम भी लिख दिया है और आज का डेट भी दे दिया है 21 एक 2022 फ्राइडे आज है फ्राइडे जैसा कि आप लोगों को मालूम है उसके बाद यहाँ पर नाम भी लिख दिया है आर्या एंड भाविया हिंदुस्तानी देख सकते हैं ये हमारी बेटी का नाम है आर्या एंड भाविया हिंदुस्तानी जिसका कि एक यूट्यूब चैनल भी है मेरा मेन चैनल तो आप लोग वहाँ भी विजिट कर सकते हैं तो दोस्तों यही है हमारे अंकल देख सकते हैं इन्होंने ही ये नाद तैयार कर दिया है तो दोस्तों मैंने स्टार्टिंग से आपको दिखा दिया है किस तरह से नाद की तैयारी की जाती है कितना कितना क्वांटिटी लगता है और नाद जो है कम्प्लीटली पूरा हो चुका है अब 10 दिन के बाद इसको जब उखाड़ेंगे तो आपको वीडियो देंगे तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए आगे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स मिलते रहेंगे मिलते हैं फिर एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ तब तक के लिए बाब बाय जय हिंद जय भारत थैंक यू दोस्तों